लुक और बहुत ही खूबसूरत इंसान एंड ऑफ कोर्स द गॉर्जियस आयशा उमर एंड उमेर जसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत लेकिन अभी तक सिंगल क्यों है? जरूरी है यार, खूबसूरती का राज जानना, सॉरी यही है राज, है ना? एक को आप, अब अगर ये चाय अच्छी ना होगी ना, देखें वो मैंने नहीं बनाई, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाई ना, और मैं ये शो कर सकती हूँ, चाय बना सकती हूँ, आज का सोच रही हूँ चाय बना लूँ। अच्छा तुम कुकिंग शुकिंग करते हो कि नहीं? हाँ, अ पार्ट ऑफ द डाइट दैट आई फॉलो एंड माय वर्कआउट रूटीन, मैं खुद ही बनाता हूँ अपना बहुत सारा खाना, यही करना पड़ता है, अम्मा को तंग नहीं करता मैं। माय मॉम मेक्स द बेस्ट फूड ऑन दिस प्लैनेट, हर किसी की अम्मी दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हैं उनके लिए, लेकिन सम टाइम्स आई हैव टू कुक फॉर माय सेल्फ, इट्स फन। अच्छा आई वांट टू नो व्हाट डाइट यू फॉलो। अच्छा प्लीज आयशा, अच्छा ये तो मुझे बता दो ना आयशा, व्हाट डाइट डू यू फॉलो? एक पैलियो टाइप करने की कोशिश करती थी। आयशा, आयशा ने तो मुझे इंस्पायर किया है जी वजन कम करने में, मैं इसका आयशा उमर का तो बहुत ही बड़ा हाथ है मेरे, ना फ्रॉम 10 पाउंड पता नहीं कहां आयशा का है, आयशा को कहां है, इसीलिए तो ये लुक बड़ा से बड़ा है। एक्चुअली आई एम इन डिप्रेशन, आई फ्रॉम 10 पाउंड। अच्छा और क्या है आयशा तुम्हारे प्लान्स, क्या हैं फैमिली लाइफ के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, मतलब ये हम देखते रहते हैं एक लड़की है इसमें इतनी एनर्जी है, या अल्लाह, लेकिन वो पता है थोड़ी सी कम हो गई है सना, कितना काम किया, मतलब मैं आयशा को फोन करूँ ना, अब आयशा ये कर रही है, अब आयशा कहीं बैंकॉक में शूट कर रही है, अब आयशा वापस आई है लेकिन आयशा को कहीं कुछ और करना है, अच्छा अब आयशा आज ये कर रही है, रमजान में मैंने कुछ ज्यादा काम किया, बहुत अरसे से मैं नहीं करूंगी, बट माशाल्लाह माशाल्लाह टच वुड, आई होप कि तुम बहुत काम करो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हो आयशा, बिकॉज मॉडलिंग भी है, कमर्शियल इतना काम किया रमजान और बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, और मुझे मैं बहुत बीमार पड़ गई बाय द एंड ऑफ रमजान, लाइक रियली सिक, ओके आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई गॉट लाइक अ स्टमक इन्फेक्शन एंड फिर फ्लू भी हो गया, तो बस वो था ना कि बस इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा मुझे पता चलता तो मैं फूल लेके आती, लेकिन आपको तो बहुत सारे फूल आए होंगे, बहुत सारे फूल आए होंगे। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो जितनी लड़कियां तुम पे यू 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 झपट्टे मारी होती है कॉन्सर्ट्स में, क्या हो रहा होता है? नहीं यार देखें यहाँ पे असल में लोग थोड़े एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा रॉक म्यूजिक का कसूर नहीं, उमेर तुम्हें देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, ये क्या तरीका है? इट्स अबाउट द म्यूजिक, इट्स नॉट मी, इट्स द म्यूजिक, आई पंप देम अप लाइक सो मच बाय द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट कि वो गेट क्रैशिंग। इसने डिनाई नहीं किया कि हां, इसने डिनाई नहीं किया कि नहीं, कन्वीनिएंटली कहा हां तुम्हें कोई मिला प्यार करने वाला जिस तरह तुम चाहती हो? हाँ सिंगिंग पसंद है लेकिन तुमने फिल्में की, अब मुझे ये बताओ कि अब ये जो एक ट्रेंड चल निकला है ना कि अच्छा वो इंडिया जाके करेंगे फिल्म, तो अभी ये मतलब पर हमारी इंडस्ट्री जाहिर है इतनी फिल्में नहीं बनाती जितनी वहां बनती हैं सैडली, और हम भी एक फिल्म, आई फील व्हेन आई हैव नोटिस द ट्रेंड कि व्हेन पीपल गो टू इंडिया देन दे जस्ट वांट टू बी देयर, मतलब वो अपने मुल्क को थोड़ा सा इग्नोर करना भी, आई डोंट ब्लेम सम पीपल बिकॉज आपको एकदम से ज्यादा इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, ऑफ कोर्स यू आर टेकन मोर सीरियसली, इट्स ट्रू। कौन सी मूवी एंजॉय की लेटेस्ट तुम्हारी अपनी? नहीं पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तान। पाकिस्तानी यार, आई लव्ड, कहाँ से शुरू करूँ? अभी रिसेंट जवानी पे नहीं, यानी वाज ग्रेट, मैंने हो मन जहाँ देखी, दैट वाज रियली नाइस आल्सो, अ डिफरेंट फ्लेवर। रिसेंटली क्या देखा है, कुछ आया ही नहीं। हु डू यू कंसीडर कॉम्पिटिशन आयशा? आयशा उमर को अगर कोई लड़की उसके साथ कॉम्पिटिशन कर सकती है? आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन। हु एम आई इंस्पायर्ड बाय? आई विल टेल यू, ओके, सबा कमर, fantastic actress. Oh definitely, but I think she's the best actress that we bilkul, have in Pakistan. I agree. And when sequel ke liye, when, because mera jo character hai Karachi se Lahore mein, ab uski story khatam hui hai, to ab dusre character part 3 mein aayenge,
तो व्हेन सबा वाज टेकन फॉर दैट आई वाज लाइक वाओ यू नो बिकॉज आई थिंक शी इज द बेस्ट देन आई थिंक सनम सईद इज वेरी गुड आई थिंक माहिरा हैज हर ओन ऑरा अराउंड हर एंड बट वो सनम का वो नहीं है ऑरा जो माहिरा का होगा सबा में टैलेंट बहुत है माहिरा में चार्म बहुत है सनम और तुम में क्या बहुत है और तुम में क्या बहुत आई हैव टू मच एनर्जी एक तो इतने मॉडस्ट लोग आ जाते हैं मेरे शो पे एनर्जी बट या नो माय एनर्जी इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सबड्यूड आशा बट ये जो टू थ्री फ्रूटी नहीं पर ये इतना मजेदार गाया और थैंक यू ये मुझे नहीं जाता और आइटम नंबर टाइप ये क्रेडिट जो है ये शराज ओपल को जाता है बिल्कुल कंपोज किया और अली नूर और शराज ओपल ने मुझसे गवाया क्योंकि मैं बिल्कुल ये इस तरह नहीं गा सकती थी आयशा हमने कितना सुना ये फिल्म रिलीज होने से पहले ये गाना मुझे याद है कि मैंने आपके एक दोस्त ने मुझे सुनाया इरम really? our common friend. तो मुझे याद है she had it on her phone और हमने सुना और हम इतना enjoy करते रहे और no it was very it was just an experiment but Aisha item number करने के बाद कोई image बदलती है it wasn't an item number मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं because लोग consider करते हैं ना अच्छा यार अगर ये लोग कहते हैं dance number but it wasn't an item number for an item number I tell you what an item number जैसे मैं विश के साथ हुआ बिली में an item number is एक item के लिए कोई actress आती है movie में I was the lead actress of the film so how can I do an item number it's a dance song अच्छा तो बिली item number बिल्ली आइटम नंबर है लेकिन टूटी फ्रूटी नहीं नहीं आइटम नंबर वो क्योंकि लग रहा है कि जी ओ शी इज सेड्यूसिंग द ऑडियंस आइटम नंबर बट आई एम नॉट इट्स अ फनी सिचुएशन नहीं बिल्ली क्या था तो बिल्ली को क्या कहोगे भाई बिल्ली वाज एन आइटम सॉन्ग बिल्ली वाज प्लेइंग फॉर दैट वन सॉन्ग ओके आई नो शी हैड टू थ्री सीन्स आल्सो शी वाज अगेन शी वाज डूइंग अ कैमियो हां शी वाज नहीं कहो वेरी गुड अच्छा मैं तुम्हें अगर कोई आइटम नंबर के लिए बुला रहा यार व्हाई नॉट आयशा ये कहाँ से आया आप असल में रोई हमने कोई ग्लिसरीन आपको आंखों में नहीं डाली हमने ऐसी कोई चीज नहीं कही मतलब वही ना हम सब रोए थे उस सीन मैंने कहा ना कि दिल टूटते हैं वो टाइम याद करें अच्छा दिल टूटे या दिल तोड़े हो उनके टाइम याद करें या किसी से प्यार हो उससे बिछड़ने का सोचें ये चीजें जरूरी होती है अच्छा दिल टूटने की बात हो रही है तो हमें अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ना है बिकॉज कमर्शियल भी तो चलाने हैं एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं ब्रेक के बाद दिल टूटने से जुड़ने तक देखते रहिए स्टारी नाइट्स And welcome back to Starry Nights. And what a starry night there this is with Umair and Aisha. ये बताइए Umair next project. Can't name the project yet. Waiting for the director to actually announce it officially. Okay, director कौन है? ना director भी बता सकते हैं. यार ये तो अजीब सी बात है. अब आप तो sorty खेलें. अच्छा क्या वो young हैं? हाँ वो young हैं. क्या वो एक film कर चुके हैं? बिल्कुल. क्या वो खबरों में रहते हैं? क्या उनके film में? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. अच्छा. ज़्यादा डांस करके दिखाया मैंने किसके साथ है ये बता सकते हो आई विश आई कुड बट सैडली ओके अगेन अच्छा भाई ये तो कुछ नहीं बता सकता तुम बता दो तुम क्या कह रही हो आयशा नाउ व्हाट्स नेक्स्ट एक तो एक फिल्म देन लाइक ही सेड म्यूजिक व्हिच वी वो ही है ना कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं जब लोग पूछते हैं कि आप गा क्यों नहीं ज्यादा रहे गा क्यों नहीं रहे आई एम लाइक आप कैसे दो चीजें कर सकते हैं एक तो टाइम नहीं मिलता दूसरा व्हेन यू आर एक्टिंग इट रिक्वायर्स सो मच एनर्जी यू आर सो ड्रेन्ड ऑल द टाइम दैट यू कांट सिंग You know, आपका गला बैठा होता है गला भी बैठा होता है दैट्स ट्रू एंड सो आई एम डूइंग अ कपल ऑफ सॉन्ग्स इन सम कुछ गाने कर रही हूँ क्या हो गया कुछ गाने कर रही हूँ कुछ गाने कर रही हूँ कुछ फिल्मों के लिए ओके और कुछ और फिल्मों के लिए कुछ और फिल्मों के लिए वेरी गुड एंड एक दो रियलिटी शोज हैं रियलिटी शोज को एक को मैंने होल को जज करना है अभी देख रही हूँ कि कौन सा चूज ये जो आयशा है ना ये मल्टी डायमेंशनल सब कुछ कर रही है आई हैव बीन आस्क्ड टू डू इट यार अब अगर कोई चाह रहा है कि आई हैव बीन आस्क्ड टू डू इट मैं नहीं कर सकती इफ आई लाइक इट इफ आई नो आई विल हैव फन अगर लोग अच्छे हैं तो कर लेती हूं अब ऑब्वियसली कभी-कभार गलतियां भी हो जाती हैं मैं जसवाल के बारे में ऐसा कुछ बताओ जो लोग नहीं जानते उमेर जसवाल एक इंतहाई सेंसिटिव इंसान है नहीं ये तो अभी बता दिया कि मैं बहुत सारी चीजें आई अब्सॉर्ब अ लॉट
हसास का मतलब क्या होता है? रो देते हो, मतलब फील करते हो, नाराज हो जाते हो जल्दी, हर चीज को ज्यादा फील करते हो, क्या होता है? I mean, वो तो एक आर्टिस्ट का ट्रेट ही है ना, मतलब के ओवर सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, हमें नेगेटिव कनोटेशन है ना वर्ड सेंसिटिव की। ओह, यू आर टू सेंसिटिव। आई एम लाइक थैंक गॉड आई एम सेंसिटिव। इफ आई वाजंट सेंसिटिव आई वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म। अच्छा, तुम्हें जरा सेंसिटिव पे रोक के, मुझे तो ओवर सेंसिटिव। यू आर सो ओवर सेंसिटिव। देयर इज नो सच थिंग एज ओवर सेंसिटिव। ओके गाइस, ईदर सेंसिटिव और यू आर नॉट, या फिर आप एक बर्फ की सिल हैं। हां, या बर्फ के आदमी हैं, या आप फिर एक इंसान क्या है? इंसान है बस। हां, अच्छा अच्छा।